लोकसभा चुनाव पास आते ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में बसपा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीटों का बंटवारा भी किया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देशित कर दिया है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है। चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इस बार वह थोड़ा संभलकर फैसला करने के मूड में दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 350 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली आम आदमी पार्टी इस बार केवल 80 से 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पूरे देश में 80 से 100 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेगी ये हम लोग फरवरी के अंत तक तय करेंगे।